कांग्रेस पार्टी से सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में घोषित प्रत्याशी अभय मिश्रा का कांग्रेस नेताओं ने किया जमकर विरोध। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। रीवा जिले की सबसे चर्चित सेमरिया विधानसभा सीट पर नाटकीय ढंग से अभय मिश्रा को प्रत्याशी बनाए जाने की खबर इन दिनों रीवा ही नहीं पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोर रही है। पूर्व विधायक अभय मिश्रा वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में रीवा विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे और 18,000 मतों से पराजित होकर बीते वर्ष से सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की गाइडलाइन से हटकर काम करते रहे और उनका मुद्दा सिर्फ ये था कि वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी को किस तरह से बदनाम कर खुद को स्थापित किया जा सके। इसके लिए उन्होंने वह सब कुछ किया जिसके लिए वह जाने जाते हैं। अभय मिश्रा को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेता कहने से नहीं चूकते कि अभय मिश्रा राजनीतिक विरोध सैद्धांतिक रूप से नहीं करते हैं और पार्टी की गाइडलाइन से हटकर काम करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए दल बदल करते रहते हैं। अभय मिश्रा के आचरण से स्थानीय कांग्रेस के कई कद्दावर नेता नाराज थे और कांग्रेस की सर्वे सूची में जीतने वाले उम्मीदवारों में अभय मिश्रा का नाम नहीं था, इसलिए अभय मिश्रा ने बीते माह कांग्रेस को छोड़ दिया था और भाजपा की सदस्यता ले ली थी। लेकिन भाजपा में भी उन्हें आभास हो गया था कि वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी को ही भाजपा बेहतर उम्मीदवार मानती है और उन्हें ही टिकट दे रही है। तो अभय मिश्रा ने बीते दिन अपना त्याग पत्र सोशल मीडिया में वायरल किया और जुगाड़ करके कांग्रेस की टिकट हासिल करने में कामयाब रही और सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से बीती रात कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष त्रियुगी नारायण शुक्ला, जो पूर्व में भाजपा की सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे हैं और इस बार टिकट के दावेदार भी हैं। इसके अलावा लालमणि पांडे, प्रदीप सहगौरा, सत्यनारायण शर्मा, दिवाकर द्विवेदी, गजेंद्र दुबे सभी कांग्रेस नेता टिकट के प्रबल दावेदार थे। इन नेताओं ने सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में जमकर पसीना भी बहाया था, लेकिन टिकट की बाजी अभय मिश्रा ने मार ली और इन नेताओं के उम्मीदवारों पर पानी फेर दिया। हालांकि नेताओं ने पत्र लिखकर कमलनाथ को अवगत कराया था कि अगर अभय मिश्रा को पार्टी में शामिल किया जाएगा तो इससे नुकसान होगा और उन्होंने अभय मिश्रा का पुरजोर विरोध किया था। बावजूद इसके स्थानीय संगठन की इच्छा के विपरीत कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अभय मिश्रा को सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित कर दिया। यहां सबसे ताज्जुब की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं और संगठन के नेताओं की शीर्ष नेतृत्व में एक भी ना सुनी और मनमाने तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की छाती में मूंग दरने वाले दल बदलू नेता अभय मिश्रा को टिकट दे दिया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने अभय मिश्रा का खुलकर विरोध करते हुए कहा था कि इन्हें कांग्रेस में शामिल ना कराया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने सेमरिया से कांग्रेस की टिकट थमा दी थी। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता प्रदीप सहगौरा, लालमणि पांडे सहित कई नेताओं ने आरोप लगाया कि 10 करोड़ में अभय मिश्रा ने कांग्रेस की टिकट हासिल की है और सभी नेताओं ने बीते दिन ही कहा था कि अगर आप अभय मिश्रा को कांग्रेस पार्टी की टिकट देते हैं तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता असहज हो जाएंगे और कांग्रेस पार्टी बदनाम चेहरे को टिकट देकर रीवा की सभी सीटें खो देगी, क्योंकि अभय मिश्रा की छवि जनता के बीच खराब है और ऐसे में चुनाव के समय इसका सीधा असर कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा। कमलनाथ जी के, दिग्विजय सिंह जी के और बड़े नेताओं के यहाँ उनको इधर उधर देखा गया, फोटोग्राफ्स वायरल हुए, उससे ये लग रहा है कि एक भारतीय जनता पार्टी का आदमी आखिरकार कांग्रेस के नेताओं के घर के बगले के इधर उधर क्यों घूम रहे। हम उस 75 वर्ष के व्यक्ति के ऊपर इन्होंने गलत एलिगेशन लगाए, जिस तरह की भ्रष्ट चीजें इन्होंने लगाई शायद ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोला जा सकता। हमारे जिला अध्यक्ष के बारे में इनके चैनलों में उठपटांग बातें आती रही। हम लोगों को काम करते टाइम ये बोला जाता था कि ये बेवकूफ लोग हैं, गली गली घूम रहे हैं, घूमने से कुछ नहीं होता। उस समय कार्यकर्ता हमारा ये कहता था कि नहीं, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग जब पुलिस प्रताड़ित करती है कुछ भी होता है तो हम कांग्रेसी सब एक दूसरे के साथ रह के खड़े होकर अपने कांग्रेस वर्करों की रक्षा करते, तब हम लोगों को मजाक उड़ाया जाता था। तो हम लोगों का सीधा एक बात कहना है कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस वर्करों की मंशा के अनुसार 8 आदमियों को टिकट दे दे, मंडलम सेक्टर बीएलए मेरे बूथ कमेटी के आदमी को टिकट दे दे, जंगे की चोट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और बकायद इस तरह की कोई पैरासूट लॉन्चिंग होगी जो आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कल 24 घंटे के पहले तक है, और उनके बारे में यदि पार्टी विचार करती है तो इसका जवाब तो पार्टी को देना पड़ेगा। हम लोग तो कार्यकर्ता है और निश्चित रूप से हम लोग काम करने में असमर्थता जाहिर करेंगे। ये संदेश सीधा हमारे नेता कमलनाथ जी तक है, दिग्विजय सिंह जी तक है कि आप पार्टी के वर्करों की रक्षा करिए, आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं,
आप संगठन के कोर लोगों की रक्षा करिए, ये संदेश है हम लोगों का। यदि आप रक्षा नहीं करोगे तो हम कहाँ जाएंगे, किससे कहेंगे? तो ये हम सबकी, सारे लोगों की, कार्यकर्ताओं की गुहार है कि आप हम लोगों की विनती को सुनो और ऐसे लोगों को टिकट मत दो। कांग्रेस मैन को टिकट दो, कांग्रेस के व्यक्ति को टिकट दो। आज कांग्रेस की लहर है, इसलिए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। पत्र जो लिखा गया है तो ये एक लिखा गया है कि आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस को लोग वोट देना चाहते हैं, इसलिए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। यदि कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते तो फिर आप बीजेपी से लड़ना चाहते थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कार्यकर्ता के साथ अन्याय ना हो, इसलिए हम लोग सब इकट्ठा है और हम सब साथ साथ हैं। अगर टिकट फाइनल होगी तो जरूर हम लोग कुछ कदम उठाएंगे सब लोग मिलकर। कि ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी कतई सिमरिया में बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी जन आक्रोश की यात्रा थी, हम सब लोग आठों लोग मिलकर जन आक्रोश यात्रा बहुत विधिवत और अच्छे ढंग से हम लोगों ने किया और ये बताया कि नेताओं से, वहां दिल्ली के भी नेता थे, संजय कपूर थे, राहुल भैया थे, सब लोग थे। हम लोगों ने बताया था कि आठ में आप किसी को दे दीजिए, जिसको दे देंगे हम सब लोग साथ में और इस बार सिमरिया से कांग्रेस पार्टी को जिता के ले जाएंगे, आपको देंगे सीट देंगे। तो अब यदि ऐसी स्थिति होगी तो निश्चित तौर से हम लोगों को सोचना पड़ेगा। ये पत्र हम लोगों ने 12 तारीख को लिखा था, सभी लोगों ने बात करके। जब ये हवा लगी कि कांग्रेस पार्टी भाजपा छोड़ के फिर ना ज्वाइन करना चाहता, कांग्रेस की चूंकि सरकार बन रही है, उस सरकार को बदनाम करने के लिए, दूसरी बात इस तरह के बदनाम लोग जो हैं, एक बार अभी कांग्रेस की सरकार बदनाम लोगों के चक्कर में गमाई गई, दोबारा भी इस तरह के लोग जो हैं वो आपस में ये बात करने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, बदनाम शुदा आदमी कांग्रेस की सदस्यता नजर रहे हैं और ये कहते हैं कि हम पैसे से टिकट खरीदे, जबकि कांग्रेस इसलिए इनको नहीं बुलाई है। ये बात जरूर है कि हमारे जो कमलनाथ जी हैं ने अभी उसको अपने घर से भगा दिया, इसके बाद भी वो पता नहीं कहां कहां से जुगाड़ करके इस तरह कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। 2018 में हम लोग आठों सीट हार गए हैं, इन्हीं तत्वों को जो टिकट दी गई इन्हीं लोगों को, इसी के कारण हारे हैं। और कहीं फिर यही डर लग रहा है कि कहीं फिर ये हो ना जाए, पूरे जिले के कार्यकर्ता इससे परेशान है, आतंकित है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए पूरे जिले के कार्यकर्ताओं के साथ, ये भी डर है। और जो हमारे साथी हैं कि सबने आठ दे दिया, सभी ब्लॉक से, मंडल, सेक्टर, बीएलए, हर कोई भारत से, हाँ भारत यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो, जन जागरण अभियान, घर घर चलो, बेचारे पूरे जिले के पैदल नाप लिए सब, गाँव गाँव जाके तमाम पत्र बांट रहे हैं, तमाम आपका आरोप पत्र बांट रहे हैं। जनाकोश यात्रा में सब कार्यकर्ता लेके भारी भीड़ चल के लेके चल रहे हैं सब साथी, कहीं ना कहीं उनको भी अपना ही उम्मीद रही होगी, पार्टी में भी मेरा सूची आठ दस दस लोग पद आवेदन दिए थे कांग्रेस के जो साथी हैं, उन साथियों में कोई विचार नहीं हो रहा। अचानक ऐसे क्या हो गया कि उनको, इनके बारे में हम विचार कर रहे हैं? मेरा यही निवेदन है पार्टी नेतृत्व से कि भाई जो हम कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोगों में किसी को आप पार्टी की टिकट दे तो कांग्रेस भरकर उसको स्वीकार कर लेगा, वो कांग्रेस के साथ काम करेगा। अगर पार्टी के बाहर का आदमी हमारा मालिक कार्यकर्ताओं का मिले तो पार्टी खुश हो जाए। अब वो आदमी जिसने पूरे जिले के विधानसभा से लेके पूरे जिले के कांग्रेस के लोगों को प्रताड़ित किया हो, ऐसा आदमी कांग्रेस का विधायक बनने आ रहा, कांग्रेस पार्टी की टिकट पा रही, ये तकलीफ देह बात है। हम लोग हैं यहाँ पर अभी भी उपस्थित हैं, हम सब लोगों ने एक पत्र लिखा और सारे ब्लॉक अध्यक्षों ने लिखा और उससे हमारे मंडल, सेक्टर और बूथ स्तर तक के पदाधिकारी सहमत हैं कि ऐसे भ्रष्ट आदमी को फिर से कांग्रेस में नहीं लेना चाहिए। ऐसे आदमी को कांग्रेस में लेने से ये मैसेज कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में जाता है कि इसके पीछे, इसे पार्टी में लेने के पीछे आखिर क्या उद्देश्य हो सकता है। यदि हम ऐसा कहें कि लोगों की सोच ऐसी हो सकती है कि इसके पीछे केवल धन है, तो ऐसी सोच पार्टी के लिए घातक है और ऐसे में कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। आज हम फिर आठ जो लोग हैं, जो लोग वहां से टिकट चाहते थे, वो इस उद्देश्य को लेकर एकत्रित हुए हैं कि फिर से हम आग्रह कर रहे हैं कमलनाथ जी से, अपनी कांग्रेस पार्टी से, कि ऐसे भ्रष्ट आचरण वाले आदमी को कांग्रेस पार्टी में नहीं लेना चाहिए और कतई टिकट नहीं देना चाहिए। नहीं, हम आठ लोग जो आज पांच साल से वहां दिन रात एक किए हुए, वो एक दूसरे के लिए सब हम सहमत थे कि किसी को भी दे दो, हम लोग उसके लिए बिल्कुल काम नहीं करेंगे। लिखित रूप से कमलनाथ जी से आग्रह कर लेंगे कि हम पार्टी के ऐसे प्रत्याशी के साथ काम करने में असमर्थ हैं।
कल वो जो इस्तीफा उन्होंने दिया उस पत्र में मेंशन किया कि जनता की मंशा है कि कांग्रेस में रहूं, कांग्रेस में वापस आऊं और कांग्रेस के टिकट से चुनाव लूं। ऐसा क्या हुआ, इतनी फूट लगाकर वो पार्टी छोड़ के गए थे और अब फिर से कांग्रेस से वापसी की तैयारी, क्या मानते हैं इसमें? ऐसी मूर्खता हमने पहली बार देखी। कोई अपनी पार्टी में इस्तीफा देता है, वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, इस्तीफा कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी को देता है, आपने कभी ऐसा सुना है? और फिर किसे किस पार्टी में जाना है, इस्तीफा देना तो एक नौटंकी है, इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? कोई हम दूसरी पार्टी में जाना चाहें तो हमें इस्तीफा की क्या जरूरत है? तो वो एक रिहर्सल है, एक नौटंकी है, एक दिखावा है। उसी पत्र में दो तरह की बातें, वो फ्रॉडगिरी के लिए प्रसिद्ध है रीवा जिले में, ऊपर की लाइन में लिखता है कि भाजपा मेरी पत्नी को टिकट दे रही थी, फिर नीचे की लाइन में लिखता है कि शिवराज सिंह ने जल लेके प्रतिज्ञा की थी मुझे देने को, अब मुझे पता चला कि राजेंद्र शुक्ला के कहने पर केपी को दे रहा है। तो उसकी फ्रॉडगिरी ये देखिए कि तुम ऊपर वाली लाइन में सही बोल रहे हो कि नीचे वाली लाइन में सही बोल रहे हो। वो पत्र उसका एक दूसरी लाइन का कंट्राडक्शन करता है कि कौन सी बात सही है। तो ये दिखावटी है ऐसे किसी पत्र का, भाई हम कांग्रेस में हैं तो कांग्रेस के अधिकारी को इस्तीफा देंगे कि भाजपा वाले को देने जाएंगे, तो ये केवल खेल तमाशा है और इसके पीछे केवल रुपए का ये साठ गांठ है। हमारे कई नेता इस उसके रुपए के साठ गांठ में 10 करोड़ रुपए से ऊपर का खेल हो रहा है, नहीं तो किसी की इतनी मति नहीं मारी गई है कि 15 दिन पहले जो सबको एक तरफ से गाली दे वो आज वो अचानक प्रिय हो जाए। और जो 5 साल से आज सड़कों में गांव गांव में जी जान से लगे हुए हैं, वो हम तो ये भी नहीं कह रहे थे कि भाई हमें दे दो, हम लोग तो ये कह रहे थे कि 8 में से किसी को दे दो। तो इतना वो प्रिय हो गया 2 दिन के अंदर गाली देने के बाद। तो इसके लिए जैसा मैंने पहले कहा 10 करोड़ रुपए का खेल हुआ है और ये मैं सीधा आरोप लगाता हूँ। ये क्या हुआ, मेरी मुझे यही दिक्कत हो रही है कि हमारे पार्टी के नेताओं ने ऐसा क्या किया। कांग्रेस के जो वर्कर हैं, मैं जिला का अध्यक्ष भी रहा, पिछले 35 साल से मैं कांग्रेस में, 20 साल से लगातार कांग्रेस के हमारे साथी लाठी डंडे झेल रहे हैं। इन्हीं तरह अभय मिश्रा फिर से कांग्रेस में आ रहे हैं, इस तरह की आशंका है। अगला स्टेप आप लोगों का क्या होगा? ये जो पत्र लिखा है जी, ये किस आधार पर था? जो हम माने कांग्रेस के लोगों ने पत्र लिखा, वो पत्र इसलिए लिखा गया कि हम लोग ऐसे व्यक्ति का विरोध करते हैं जिसने पिछले 15 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला मुकदमा से लेकर हर तरह से उसको पीड़ित किया हो, और पिछले 15 साल से वहां भाजपा के विधायक हैं चाहे जो भी रहे हों। तो हम लोग और कांग्रेस के सारे लोग कार्यकर्ता, चाहे बीएलए मंडल सेक्टर सारे कार्यकर्ता, चूंकि हम लोगों ने संघर्ष किया है और हमारे तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ साथी लोगों ने, इसलिए हम सब ऐसे पार्टी के ऐसे निर्णय का विरोध करते हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये विनम्र आग्रह करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिसे भी अपना सिंबल देगी ठीक है, हम लोग उसके साथ हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कतई न लाया जाए जिसने कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ हर तरह के षड्यंत्र किए और उनको पीड़ित किया, परेशान किया। अगर टिकट हो जाता तो अगला स्टेप क्या होगा? पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होगा उसको उसका हम लोग पालन करेंगे। पार्टी अगर उन्हें टिकट देती है तो जैसा आपने कहा और जैसी तमाम हवाएं चल रही हैं कि 10 करोड़ में, तो ये माना जाए सीधे सीधे शीर्ष नेतृत्व का सवाल लगा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये उन्हीं के लोग प्रचार कर रहे हैं इस तरह का, हम लोगों का ऐसा कहना नहीं, ये जो पूर्व विधायक जी है उन्हीं के लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि मतलब इस तरह के हम लोग काम कर रहे हैं, जबकि हम लोग ऐसा कुछ कहना नहीं है। और जो भी निर्णय होगा पार्टी का, हम सारे लोग जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी लोग हैं, हम लोग बैठ के आगे की रूपरेखा तय करेंगे। अगला स्टेप क्या होगा, चूंकि आप लोगों ने पहले ये पत्र कमलनाथ जी को भेजा था और एक आशंका खड़ी हो गई कि अभय मिश्रा फिर से कांग्रेस में आ रहे हैं और टिकट भी हो सकता है, इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में भी वायरल होने लगी। हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सब एक साथ हैं। अभी हमारे कुछ साथियों ने अभी
आपके सामने अपनी बात रखी है। हम सब हतप्रभ हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर विचार किया जा रहा है जो अभी हमारे पार्टी में थे ही नहीं। हफ्तों से हम सुन रहे हैं हम लोग कि हमारे नेता इस बात से परेशान हैं कि फला आदमी फला पार्टी में है, फला से ले आके और उसको टिकट दिया जाए। ये बहुत अफसोस की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है और इस बात से हमारे पूरे विधानसभा पूरे जिले के कार्यकर्ता हतोत्साहित और दुखी हो रहे हैं। जो व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर, प्रदेश के नेताओं के ऊपर अनर्गल आरोप लगा के और पार्टी छोड़ के गया हो और उस पर पार्टी हमारी विचार करे, और ये हम सब लोगों के लिए बड़ा दुख का विषय है और हम सब हताश और निराश हैं। अपनी बात हम अपने उच्च नेताओं तक पहुंचाना चाहते हैं आपके माध्यम से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय महासचिव जी तक, कि जन भावना को देखते हुए सिमरिया विधानसभा की ते हुए इस पर पुनर्विचार करें, और अगर ऐसा कुछ हो रहा हो इसको तत्काल रोकें, नहीं इसका खामियाजा पूरे बिंद की सीटों पर पड़ेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए द खबरदार पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।